गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में सारी प्रॉपर्टीज सीखी। ये ग्राफ हमको क्या क्या रिप्रेजेंट करता है और एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उसी क्रम में हम लोग आज अपना नया वीडियो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है टाइम वेलोसिटी ग्राफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है एग्जाम के दृष्टिकोण से। कई बार इस ग्राफ पे बेस क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? जो बच्चे अभी हम लोगों के साथ में नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं या जो नए बच्चे जुड़े हैं, वो पिछले दो वीडियो काइनामेटिक्स के, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, काइनामेटिक्स पार्ट वन, काइनामेटिक्स पार्ट टू, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, इन सारी चीजों को सीखें और उसके बाद तब वो टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को स्टडी करके फिर इस वीडियो की एनालिसिस करें और इसकी स्टडी करें। और इसमें हम लोगों को अब क्या हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है जो ग्राफिकल टॉपिक है, टाइम वेलोसिटी ग्राफ, या इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोला जाता है। तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएं और तैयारी को बहुत अच्छी तरीके करें। जिनके पास नोट्स नहीं है वो लोग नोट्स को भी बनाएं। तो हमारा बच्चों आज का टॉपिक क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर? वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और बॉडी को मूव करने में जितना टाइम लगे, ठीक है, अगर हम इन दोनों के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफिकल स्टडी करें कि कितने टाइम में क्या वेलोसिटी थी मूविंग बॉडी की, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी कार की, किसी ट्रेन की, व्हाट इज द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम टी, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या फिर इसी को बोला जाता है वीटी ग्राफ। तो ये हमारे सामने जो ग्राफ बना हुआ है बच्चों, इसका नाम है वीटी ग्राफ। यहां पर एक्स एक्सिस में टाइम और वाई एक्सिस में वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? बताइए वी और टी में रिलेशन का फार्मूला क्या था, बताइए सभी लोग, व्हाट इज द फार्मूला इन द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम? बोलो, बिल्कुल सही, एक्सीलरेशन। याद करिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि जो एक्सीलरेशन होता है, जिसको त्वरण कहते हो, दैट इज ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वी वेक्टर, ए वेक्टर, एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, ठीक है। तो यहां पर ये वेलोसिटी में चेंज और ये टाइम में चेंज, इसका मतलब ये हुआ कि अगर टाइम और वेलोसिटी में हम लोग कोई भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखिए अगर डेल्टा वी को एज इट इज अज्यूम किया जाए डेल्टा वाई, और डेल्टा टी को अज्यूम किया जाए डेल्टा एक्स, तो ये लिखा है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी एक्स एक्सिस में टाइम का चेंज और वाई एक्सिस में वेलोसिटी का चेंज। तो ग्राफ के जो भी रिजल्ट आएंगे उससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सीलरेशन। इस बात को हमको लर्न कर लेना है कि वीटी ग्राफ से, फ्रॉम वीटी ग्राफ, क्लियर, हम लोग दो कैलकुलेशन एनालिसिस करेंगे। एक तो हम लोग को पढ़ना है एक्सीलरेशन की कैलकुलेशन, त्वरण की गणना, कैलकुलेशन ऑफ एक्सीलरेशन बाय द वीटी ग्राफ, वेग समय ग्राफ से एक्सीलरेशन की कैलकुलेशन, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, दूरी और विस्थापन की गणना। क्लियर? तो अब इस चीज को आप सॉल्ट में माइंड में सेट कर लो, अभी आगे हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है, वीटी ग्राफ, और वीटी ग्राफ से हम क्या क्या फाइंड आउट करते हैं। तो वीटी ग्राफ से मेनली हम दो चीजें काउंट करते हैं, दो फिजिकल क्वांटिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर वन क्या, एक्सीलरेशन, यानी बॉडी का एक्सीलरेशन कितना है। नंबर टू, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, अर्थात दूरी और विस्थापन की गणना। तो सबको बात समझ में आ गई, बोलिए क्लियर है, कौन सा ग्राफ,
यूटीग्राफ, यूटीग्राफ से क्या क्या आता है, एक तो कैलकुलेशन आप एक्सीलरेशन वस्तु का त्वरण, और दूसरा कैलकुलेशन आप डिस्प्लेसमेंट, और कैलकुलेशन आप डिस्टेंस। क्लियर? तो पहले आप कॉपी में इसको ऐसे ही नोट कर लें, फिर हम लोग बारी बारी से सारे इंपॉर्टेंट केसेस को पढ़ेंगे और आपको ये बताएंगे कि कैसे आपको एक्सीलरेशन और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, कॉपी में नोट कर लें पहले इसको। क्लियर बच्चों, सभी को समझ में आ गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब बच्चों हम लोगों को पढ़ना है डिफरेंट केसेस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट केस, वाई एक्सिस में वेलोसिटी, एक्स एक्सिस में टाइम, और अगर वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस हो, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यदि वीटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा समय अक्ष के समांतर हो, तो ऐसा कब ग्राफ बनता है? तो देखिए हम एनालिसिस करें बच्चों, टाइम तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, समय तो बढ़ रहा है लेकिन वेग में कोई परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब ये ग्राफ हमको क्या इंफॉर्मेशन देता है? ये ग्राफ हमको इंफॉर्मेशन देता है कि वस्तु कांस्टेंट वेलोसिटी, अर्थात ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी मींस नियत वेग से गतिमान है। तो यदि कोई भी वस्तु एक नियत वेग से चलती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट्स वीटी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। क्लियर? ये बात सबको पता होनी चाहिए। तो अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन कह दिया जाए कि बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो वीटी ग्राफ कैसा बनेगा, तो वीटी ग्राफ ऐसा बनेगा, बड़ा आसान है, टाइम एक्सिस के ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल होगा समय अक्ष के समांतर। सबको समझ में आ गया ना? तो वीटी ग्राफ टाइम एक्सिस के अगर पैरेलल है तो बॉडी कैसे मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर? अब बच्चों अगर वीटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो जो ओरिजिन से पास हो, है स्ट्रेट लाइन लेकिन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से, मूल बिंदु से जा रही है, इस प्रकार 0,0, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ रही है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर? लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, इसका क्या मीन है? इसका मीन है कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन। कौन सा? ऐसा कब होगा? जब कोई भी बॉडी कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करेगी। तो पहले वाले का आंसर क्या था? पहले वाले का आंसर था कि बॉडी मूव्स विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। क्लियर? और यहां पर ग्राफ कैसा बना है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से, एज ओए। क्लियर? और ये ग्राफ हमको क्या इंफॉर्मेशन देता है? ये ग्राफ हमको इंफॉर्मेशन देता है कि बॉडी मूव करेगी विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। यहां पर मैंने लिखा कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो अगर किसी गतिशील वस्तु का त्वरण नियत हो, इफ एक्सीलरेशन ऑफ एनी मूविंग बॉडी इज कांस्टेंट, इसको बोला जाता है कांस्टेंट एक्सीलरेशन, देन इन दिस केस द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन ओए। और ऐसी दशा में पहले तो इसका आंसर डिक्लेयर कर दें, ये ग्राफ हमको क्या बता रहा है कि बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। वस्तु एक नियत त्वरण से गतिशील है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक नियत त्वरण से गतिशील है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलती है, तो उसका जो ग्राफ होगा वीटी ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन टाइम और वेलोसिटी दोनों एक्सिस को इक्वली इंटरसेक्ट करेगी। जितने डिवीजन टाइम में उतना ही डिवीजन किसमें? वेलोसिटी में। अर्थात उसमें जो टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी का डिवीजन होगा वो कैसा हो? इक्वल होगा, समान समय अंतराल और समान वेग परिवर्तन। क्लियर? हिंदी मीडियम के बच्चे भी ध्यान दिया करें, सब लोग एक साथ
ध्यान से अपने अपने सेंटेंस को, मीडियम को ध्यान दिया करो ताकि किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना हो। तो दोनों ग्राफ क्लियर हो गए। पहला ग्राफ कैसा था? स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल? टाइम एक्सिस के पैरेलल। ये क्या इंफॉर्मेशन देता है वीटी ग्राफ में? ये वस्तु कैसे चल रही है, बॉडी कैसे मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। दूसरा ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन देता है? कि स्ट्रेट लाइन कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, वस्तु नियत त्वरण से गतिशील है। दोनों ग्राफ क्लियर हो गए? नोट कर ले पहले इनको कॉपी में, फिर आगे इसकी कैलकुलेशन को हम आपको बताते हैं कि हमको क्या क्या इससे इंफॉर्मेशन या फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं। कॉपी में इसको नोट कर ले पहले। तो बच्चों अभी हम लोगों ने कांस्टेंट एक्सीलरेशन का जो केस देखा वीटी ग्राफ में, कंफ्यूज मत हुआ करो, वीटी ग्राफ चल रहा है ना, और उसमें कौन सा केस हम लोग पढ़ रहे हैं? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो वीटी ग्राफ में हम लोगों ने जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन का केस देखा, क्लियर, उसमें ग्राफ कहां से जा रहा था? स्ट्रेट लाइन कहां से मूव कर रही थी? ओरिजिन से। ठीक है, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर इसका दूसरा केस भी होता है, अगर स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास ना हो उसको भी देखा जाए। तो अगर सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन मूल बिंदु से ना गुजरे, ठीक है, इफ स्ट्रेट लाइन डजंट पासेस थ्रू ओरिजिन और ये कुछ ऊपर से ऐसे जाए, तो ये कौन सा केस होगा? ये भी बच्चों होगा कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ये भी है कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये भी है कांस्टेंट एक्सीलरेशन, क्लियर। लेकिन एक बात हमको ध्यान देनी है, हैं तो दोनों कांस्टेंट एक्सीलरेशन, बट इन दिस केस इनिशियल वेलोसिटी विल नॉट बी जीरो। इस वाले केस में ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। कहां है जीरो? देखो यहां से यहां तक कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, जैसे वो वेलोसिटी है यू, क्लियर। और यहां पर अगर आप देखो तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। दोनों ग्राफ में डिफरेंस ऑन में आया, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कैसी है? जीरो। लेकिन बॉडी कैसे मूव कर रही है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन से। और यहां पर इनिशियल वेलोसिटी इज नॉन जीरो, यू डजंट इक्वल टू जीरो, और बॉडी कैसे मूव कर रही है? विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन तो दोनों में है, लेकिन एक में प्रारंभिक वेग जीरो है और एक में प्रारंभिक वेग जीरो नहीं है। दोनों ग्राफ क्लियर हो गए। चलिए अच्छा, तो हमको ये बातें समझ में आ गई कि अगर हमारे पास वीटी ग्राफ है तो वीटी ग्राफ में इस प्रकार हम लोग मोशन की एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है बच्चों, इसको रफ कर दिया जाए, नोट कर लिया सभी लोगों ने, इसके पास ना नोट हो वीडियो को पॉज करके तब नोट कर लिया करो टॉपिक को। अच्छा अब जरा ये ध्यान दीजिए, जैसे हमारे पास ये ग्राफ है वीटी ग्राफ, इस वीटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन OA में पॉइंट A से अगर टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करें और ये एंगल हो थीटा, OA जो लाइन है वो टाइम एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है? थीटा। और हम लोग इस स्ट्रेट लाइन की क्या निकाल लें? स्लोप, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन OA, सरल रेखा OA की ढलान, स्लोप का मतलब जानते हो ना। चलिए तो ये जो स्लोप होती है मैथमेटिक्स में आप लोग अक्सर पढ़ते हो, जिन लोगों ने ना पढ़ा हो, नीट के जो स्टूडेंट्स होते हैं बायोलॉजी ग्रुप के, उनको इतना तो पता होता ही है कि स्लोप जो होती है वो टेन थीटा के इक्वल होती है। जिनको नहीं पता है तो उनको मैंने बता दिया, स्लोप अगर कभी भी आपको निकालना है तो आप लोग क्या लोगे? टेन थीटा, क्लियर। बाकी तो सब लोग जानते ही हो। तो अगर हमको स्लोप यहां पर काउंट करनी है तो हम लोग लेते हैं m इज इक्वल टू टेन थीटा, और m is equal to 10 theta is equal to होता है perpendicular upon base। यहां perpendicular क्या होगा? AM। यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा? AM। बेस हमारे पास कितना? आधार यानी OM। तो आप यहां पर क्या लिखोगे? OM। क्लियर। अगर AM की बात करो तो ये वेलोसिटी है, क्या है? वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी भी आप कह सकते हो, डेल्टा v। और अगर आप OM की बात करो तो ये चेंज इन टाइम मींस डेल्टा t। So this is also written as delta v upon delta t. So m is equal to 10 theta is equal to delta v upon delta t. Clear? That is the question number one. अब बच्चों याद करें, हम लोग फार्मूला पढ़ते थे, since acceleration of moving body
तो याद करो एक्सीलरेशन का फार्मूला होता था ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, दैट इज इक्वेशन नंबर टू। और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमको क्या रिजल्ट मिला फ्रॉम बोथ इक्वेशन, फ्रॉम बोथ इक्वेशंस ए इज इक्वल टू टेन थीटा। क्लियर, ए क्या होता है एक्सीलरेशन और टेन थीटा क्या है स्लोप। इसका एक मतलब हुआ कि अगर वीटी ग्राफ में हम लोग स्ट्रेट लाइन की स्लोप काउंट कर लें, क्या काउंट कर लें स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन लाइन इन वीटी ग्राफ, इन वीटी ग्राफ, तो ये हमको क्या बताएगा एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके एक्सीलरेशन को हम लोग स्लोप से काउंट कर सकते हैं। क्लियर, तो आज इस बात को हमको याद रखना है कि ग्राफ कौन सा होना चाहिए वीटी ग्राफ, और वीटी ग्राफ में अगर हमको क्या काउंट करना है एक्सीलरेशन को काउंट करना है तो हम लोग क्या निकाल लेंगे स्लोप ऑफ लाइन, और स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू टेन थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। लेकिन यहां पर वाई एक्सिस में क्या है वेलोसिटी और एक्स एक्सिस में क्या है टाइम, तो जहां पर होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स वहां पर होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये पूरी बात सबको समझ में आ गई क्या, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा VT ग्राफ से हम लोग क्या काउंट करते हैं एक्सीलरेशन, ये अभी हमने पढ़ा एक्सीलरेशन कैसे काउंट किया जाता है स्ट्रेट लाइन की स्लोप यानी ढलान को निकाल करके, और स्लोप का फार्मूला क्या होता है टेन थीटा, और फार्मूला हमारे पास में बना ए इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी या टेन थीटा जितना ज्यादा होगा बॉडी का एक्सीलरेशन उतना ज्यादा होगा, और टेन थीटा जितना कम होगा बॉडी का एक्सीलरेशन उतना कम होगा। ये बात सबको समझ में आ गई क्या, ग्रेटर इज द स्लोप हायर इज द एक्सीलरेशन। क्लियर, और अगर स्लोप कैसी है स्मॉलर है या कम है तो एक्सीलरेशन भी कैसा होगा कम होगा। तो वीटी ग्राफ में स्लोप जितनी ज्यादा बॉडी का एक्सीलरेशन उतना ज्यादा होगा, और स्लोप जितना कम होगा बॉडी का एक्सीलरेशन उतना कम होगा। सबको क्लियर हो गया, बोलिए समझ में आ गया, नोट कर लें इसको कॉपी में कॉन्सेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट कर लें और फिर आप इसको तैयार कर लें। तो बच्चों अभी हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि वीटी ग्राफ में अगर हमको क्या फाइंड आउट करना है एक्सीलरेशन तो हमको क्या निकालनी पड़ेगी स्लोप। सबको समझ में आ गया, अब जैसे हमारे पास एक वीटी ग्राफ है और उसमें दो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, याद करें ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कहां पढ़ाया आपने टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में, लेकिन इस बार वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये एंगल है थीटा वन और ये एंगल थीटा टू। क्लियर, हमारे पास ये है कि कंपेयर द एक्सीलरेशंस of two moving cars, दो कारों के accelerations को compare किया जाए, ठीक है। options आपके सामने given है a a is greater than a b, a a is less than a b, a a is equal to a b and none of them। बताइए भाई कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करें, बड़ा आसान है आपको समझ में आ रहा होगा हमें क्या करना है। कौन सा ग्राफ है टाइम वेलोसिटी ग्राफ, टाइम वेलोसिटी ग्राफ से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के लिए हमको क्या निकालनी पड़ती है स्लोप, और स्लोप क्या होती है इज इक्वल टू टेन थीटा, जिसकी स्लोप जितनी ज्यादा उसका एक्सीलरेशन उतना ज्यादा होगा। मिल गया आंसर, क्लियर हो गया सभी लोगों को, किसकी स्लोप ज्यादा है लाइन बी की किसके कंपैरिजन में ए के, इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन ओबी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ लाइन ओए। ये बात सबको समझ में आई, और इसका मतलब क्या हुआ थीटा टू की वैल्यू किससे बड़ी है थीटा वन से, और थीटा टू की वैल्यू अगर थीटा टू से बड़ी है देन ए टू इज ग्रेटर देन ए वन, ए टू का मतलब बी का एक्सीलरेशन और ए वन का मतलब ए का एक्सीलरेशन, तो किसका एक्सीलरेशन ज्यादा है ए टू का मीन्स ए ए और ए वन का मीन्स ए बी, तो सही आंसर क्या है ए ए इज ग्रेटर देन
ए बी कार ए का एक्सीलरेशन कार बी के एक्सीलरेशन से क्या होगा, ज्यादा। एक्सीलरेशन ऑफ कार ए विल बी मोर देन एक्सीलरेशन ऑफ कार बी। सब कुछ समझ में आ गया, तो क्या आंसर फाइनल होगा, ए ए इज ग्रेटर देन ए बी, ए का एक्सीलरेशन बी के एक्सीलरेशन से कैसा है, ज्यादा है। नोट कर ले क्वेश्चन को। अब बच्चों अगर यही क्वेश्चन एंगल बेस हो तो भी आप लोग कर ले जाओ, फिर भी चलो स्क्रिप्ट एक बार इसको डिस्क्राइब कर लिया जाए। जैसे क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन हो, द वीटी ग्राफ ऑफ एनी मूविंग कार इज एज शोन इन फिगर इन विच स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद टाइम एक्सिस, देन फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द कार। बड़ा आसान है क्वेश्चन, सब लोग जानते हो कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ। और वीटी ग्राफ में एक्सीलरेशन को लिखने का तरीका होता है ए इज इक्वल टू 10 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 30, सो ए इज इक्वल टू 10 30, और 10 30 1/√3। अब अगर यहां पर वेलोसिटी की यूनिट होती मीटर पर सेकेंड और टाइम की यूनिट क्या होती सेकेंड, तो यहां पर a is equal to 1/√3 और क्या हो जाता मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर ये ना होता तो केवल आंसर क्या रहता 1/√3, यूनिट भी आप लोग कह सकते थे, लेकिन अगर आपको यूनिट गिवन है तो फिर आंसर क्या होगा, एक्सीलरेशन की यूनिट तो सब लोग जानते ही हो ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कर ले जाओगे क्वेश्चन, बड़ा आसान है। यहां 60 डिग्री होता तो आंसर जानते हो a is equal to 10 थीटा 1060, क्लियर। और 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3, ठीक है बच्चों, हो जाएगा। अच्छा इसी में अगर दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए कि यहां पर ये वेलोसिटी और ये टाइम और दो स्ट्रेट लाइन बनी हो, एक का एंगल है 30 और दूसरे का एंगल है 60, ये OA और ये OB, और बच्चों आपसे कहा जाए कंपेयर द एक्सीलरेशंस ऑफ मूविंग कार्स, जो कार्स हैं जिनका वीटी ग्राफ ये बना है इनके एक्सीलरेशन को आप कंपेयर करो। ये भी आपके लिए कैलकुलेशन करना बड़ा आसान है, कर ले जाओगे सभी लोग। एक्सीलरेशन अगर आपको कंपेयर करना है तो बारी बारी से आप दोनों के एक्सीलरेशन को लिखोगे। पहले क्या लिखोगे, ए ए इज इक्वल टू 10 30, फिर क्या लिखोगे, ए बी इज इक्वल टू 10 60, फिर क्या लिखोगे, ए अपॉन ए बी दैट इज इक्वल टू 10 30 अपॉन 10 60, और 1030 की वैल्यू 1/√3 और 1060 की वैल्यू √3, तो आपका सही आंसर क्या आया बोलिए, ए ए रेशियो ए बी दैट इज इक्वल टू 1:3। ये बात क्वेश्चन में आ गया। तो इस प्रकार के दो क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिए। अगर केवल एक सिंपल एंगल गिवन है, एक ही एंगल, तो आप लोग क्या करोगे, ए इज इक्वल टू 10 थीटा, और उसके बाद आप लोग क्या करोगे, अगर आपको दो एंगल गिवन हैं और एक्सीलरेशंस को आपको क्या करना हो, कंपेयर करना हो, तो हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे दोनों के लिए इंडिविजुअली, ए इज इक्वल टू 10 30, ए बी इज इक्वल टू 10 60, बशर्ते ग्राफ कौन सा होना चाहिए मत भूलना, टाइम वेलोसिटी ग्राफ। कौन सा, टाइम वेलोसिटी ग्राफ। अगर ये ग्राफ कौन सा होता, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, तो क्या एक्सीलरेशन आता, बिल्कुल नहीं आता। तो फिर हम लोग उससे क्या फाइंड आउट करते, वेलोसिटी। और यहां पर जहां लिखा हुआ है कंपेयर द एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग कार्स, वहां पर क्या लिखा होता, कंपेयर द वेलोसिटीज ऑफ मूविंग कार्स या स्पीड्स ऑफ मूविंग कार्स। तो हमेशा याद रखा करो टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में, किसमें सॉरी बच्चों, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में अगर हम लोग स्लोप को फाइंड आउट करते हैं, किसको, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में अगर हम लोग स्लोप को फाइंड आउट करते हैं तो हमको क्या मिलती है, वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास टाइम वेलोसिटी ग्राफ है और वहां पर हम लोग स्लोप को फाइंड आउट करते हैं, क्लियर, तो फिर हमको क्या मिल जाता है, एक्सीलरेशन। सब कुछ समझ गए पूरा टॉपिक, सभी लोग नोट कर लें, इसको नोट करने में प्रॉब्लम हो वीडियो को पॉज कर लें, जितने भी पीछे वीडियो पड़े हुए हैं सारे वीडियोस को पढ़ें और साथ साथ वीडियोस को पूरा देखा करें, क्लियर, वीडियोस को पूरा देखा करें। जब आप टॉपिक को पूरी स्टडी करोगे तो आपको टॉपिक अच्छा समझ में आएगा, बीच में स्किप करोगे बार बार तो आपको टॉपिक पूरा समझ में नहीं आएगा, क्लियर। ये बात सब लोग तैयार कर लें अच्छी तरीके से, ठीक है बच्चों। इस समय तो लाइट और साउंड हर एक चीज की क्वालिटी आपको अच्छी लग रही होगी, कई बार ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं,
और इस समय तो वैसे भी ऐसी परिस्थितियाँ चल रही हैं, थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता था, लेकिन फिर भी कुछ इम्प्रूवमेंट हम लोगों ने करने का प्रयास किया है ताकि आपको और क्लियरिटी आए, वॉइस क्वालिटी आपको अच्छी मिले, लाइट की क्वालिटी आपको अच्छी मिले। धीरे धीरे हर चीज़ में सुधार होता है, धीरे धीरे हर चीज़ में सुधार होता है, धीरे धीरे सारी परिस्थितियाँ नॉर्मल हो जाती हैं, क्लियर। और धीरे धीरे अगर आप तैयारी करते रहोगे धीरे धीरे सक्सेस भी आपको मिल जाती है। चलो नोट कर लो फिर सभी लोग, नोट कर लिया सभी लोगों ने। अच्छा बच्चों ये बताइए कौन सा एक्सीलरेशन काउंट हो रहा है, कौन कौन से एक्सीलरेशन होते थे, एक एवरेज एक्सीलरेशन, एक इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ये हम लोग जो एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं ये कौन सा है बोलिए, एवरेज की इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस कौन सा, इंस्टेंटेनियस। तो अगर कहीं ऑब्जेक्टिव में ऐसा ना लिखा हो डायरेक्ट एक्सीलरेशन, और मान लो उसने कहीं लिख दिया इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ठीक है, तो मान लो ना मान लो अब हम लोग सीधे सीधे उसी के साथ जाएंगे और वो आंसर कौन सा सही होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स, ऐसे क्वेश्चन अगर कहीं लिखा हो ऑब्जेक्टिव, सभी बच्चे ध्यान दें, अगर कहीं क्वेश्चन लिखा हो द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स, तो अगर वहीं कहीं आंसर लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन तो कन्फर्म उसके साथ चले जाना, कहाँ टिक कर देना, जाना नहीं कहीं, क्लियर। और अगर ये ना लिखा हो केवल लिखा एक्सीलरेशन तब तो फिर वो करेक्ट है, सबको बात समझ में आ गई। चलिए अच्छा बच्चों अगर ये ग्राफ हो बताइए आप लोग, दैट इज द टाइम वेलोसिटी ओ ओरिजिन जीरो गामा जीरो, जानते हो स्ट्रेट लाइन। पहले तो ये बताओ ये ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन देता है, बताइए सभी लोग ये ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन देता है, कैसी वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। और अगर ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से जाती, ओरिजिन से, तो ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन देता, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, लेकिन अभी क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी, क्लियर, कांस्टेंट वेलोसिटी, नियत वेग, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये बताइए अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी तो उससे क्या पता चलेगा, अगर ये ग्राफ बन के आ जाए और हम आपसे बोल दें कि इस ग्राफ से आप एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करो तो कैसे निकालोगे, बताओ भाई स्लोप बताइए। एक्सेलरेशन के लिए तो हमको क्या काउंट करना होता है, सिंपल है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। एक्सेलरेशन के लिए हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ता है बेटा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो बताओ इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या है, क्या ये टाइम एक्सिस के साथ किसी एंगल पर है, टाइम एक्सिस का मीन्स एक्स एक्सिस, क्या ये स्ट्रेट लाइन समय अक्ष के साथ किसी कोण पर है, Is this straight line makes an angle with the time axis? No, zero. इसका मतलब ये हुआ कि जो slope है that is equal to zero. और जब slope zero तो acceleration भी क्या होगा, zero. और अभी मैंने आपको बताया कि ये कौन सा acceleration होता है, ये होता है instantaneous acceleration. कौन सा acceleration? Instantaneous acceleration. तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर straight line time axis के parallel है और हमको एक्सीलरेशन को काउंट करना हो तो उसका आंसर क्या होता है, ए इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो टाइम एक्सिस के साथ कोई भी एंगल नहीं बना रही, और जब ये टाइम एक्सिस के साथ कोई भी एंगल नहीं बनाएगी तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, हमको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि स्लोप जीरो, और स्लोप जीरो पे एक्सीलरेशन भी कैसा होगा, जीरो होगा। नोट कर लिया सभी लोगों ने, रब कर दिया जाए इसको। चलिए बहुत अच्छा, एक एक की पॉइंट को आप कॉपी में नोट करते रहें और नोट्स को बनाएं। अब एक ग्राफ आपके सामने आने वाला है, आप उसका आंसर हमको बताएं, ठीक है, दिया जाए ग्राफ। चलो यहां पर ये क्या है टाइम और ये क्या है वेलोसिटी, और ग्राफ अगर आपको वीटी ग्राफ कुछ इस प्रकार का गिवन हो, बताइए सभी लोग अगर वीटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस की तरफ इस प्रकार हो तो ये ग्राफ हमको क्या इंफॉर्मेशन देता है, सभी लोग बताएं कमेंट में आंसर को लिखें, सभी लोग कमेंट में इसके आंसर को लिखें कि वीटी ग्राफ हमको क्या इंफॉर्मेशन देगा, बोलिए भाई। टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज, पहले ये देखो, टाइम इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, पहले ये देखो, यहां से टाइम इंक्रीज कर रहा है, क्लियर, लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है,
बोलो क्या वेलोसिटी जीरो है? ना, कहां जीरो है? ग्राफ तो यहां से स्टार्ट हुआ ना, और यहां पर वेलोसिटी जीरो नहीं है, डजंट इक्वल टू जीरो। लेकिन जो भी वेलोसिटी है वो टाइम के करस्पॉन्डिंग धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, और सभी लोग जानते हो अगर मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो तो उसको क्या बोला जाता है? बोले फटाक से, क्या बोलते हैं उसको? रिटार्डेशन। क्या बोलते हो? रिटार्डेशन, मंदन। यानी जो ऑब्जेक्ट है उसमें एक्सीलरेशन ना होकर के उसमें क्या हो रहा है? रिटार्डेशन, बॉडी रिटार्ड हो रही है, इसमें मंदन उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ यहां पर बॉडी क्या हो रही है? रिटार्ड हो रही है। दैट मीन्स मूविंग बॉडी रिटार्डेड बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल नॉट बी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, लेकिन बॉडी क्या हो रही है? रिटार्ड हो रही है। रिटार्ड का मतलब मंदित हो रही है, क्लियर? और मंदित का मतलब तो जानते होगे, रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन का मतलब भी जानते होगे, मंदन है भाई। मंदन का मतलब रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब मंदन। बहुत अच्छी बात, सीखते रहो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान दिया करें, सेंटेंस भले ही हम इंग्लिश में लिखें लेकिन तुरंत री कर देते हैं। कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया करिए, शुरुआत उन्होंने किया था। और वैसे भी मेरी आदत आप जानते हो, चाहे ऑफलाइन हम क्लास पढ़ाएं जैसा कि अभी हम पढ़ाते रहते हैं, ऑनलाइन भी चाहे क्लास चले, लेकिन अगर हम सेंटेंस बोर्ड में इंग्लिश में लिख भी रहे हैं उसका ट्रांसलेशन हम तुरंत कर देते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, जैसा कि नहीं हो रही होगी फिलहाल, ठीक है ना? और होती हो तो आप बताइए, उस इशू को भी रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ, तो हम लोगों को ये पता चल गया कि अगर ग्राफ ऐसा है, देखो ऐसा है, और यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है? नॉन जीरो। तो बताइए क्या बता रहा है? मूविंग ऑब्जेक्ट रिटार्डेड बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल नॉट बी जीरो। बॉडी की वेलोसिटी जीरो नहीं है और बॉडी क्या हो रही है? रिटार्ड। और यहां पर ये ध्यान रखो, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता है वैसे वैसे बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। बोलिए थीटा यहां पे कैसा है? 90 के इक्वल, 90 से ग्रेटर, 90 से लेसर। बताओ भाई यहां पर थीटा कैसा है? 90 के इक्वल, 90 से कम, या फिर 90 से ज्यादा? जल्दी बताइए थीटा की वैल्यू यहां पर कैसी होगी? थीटा मतलब स्लोप, कैसे पता करो? इसको यहां ज्वाइन कर दो। अब बताओ दिस एंगल इज थीटा, और ये थीटा कैसे दिख रहा है? थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मोर देन 90। और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है तो स्लोप बहुत ज्यादा है। स्लोप कैसी? हायर इज द स्लोप, क्लियर? तो ये बात हमको सबको समझ में आ गई कि वेलोसिटी ग्राफ में अगर वीटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन हो और वो लाइन किसी पर्टिकुलर वैल्यू से नीचे की ओर आए, इसका मतलब हमको ये पता चला कि बॉडी में क्या हो रहा है? रिटार्डेशन। इसको भी नोट कर लें सभी लोग। अब बच्चों अभी हम लोगों ने जो केस पढ़ा था वीटी ग्राफ का, उसमें हम लोगों ने ये सीखा कि कैसे हम लोग वीटी ग्राफ से एक्सीलरेशन को काउंट करते हैं। तो इसका एक बेसिक प्रोसेस हम लोगों को पता चला कि अगर हम लोग स्लोप को काउंट कर लें तो हमको क्या पता चलेगा? एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू टेन थीटा, क्लियर? उसके अलग अलग केसेस हम लोगों ने पढ़ ली, अच्छी तरह आप इसको रिवाइज कर लें। अब जो अगला ग्राफ बच्चों आता है वीटी ग्राफ, और अगर ये ग्राफ एक कर्व के फॉर्म में हो, अभी तक हम लोगों ने कौन से केसेस पढ़े थे जहां पर स्ट्रेट लाइन होता है वीटी ग्राफ, अब लेकिन ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होकर के ये कर्व के फॉर्म में है, कर्व, क्लियर? अगर वीटी ग्राफ एक कर्व के फॉर्म में होगा तो ये ग्राफ हमको क्या इंफॉर्मेशन देता है, बताएं सभी लोग? वीटी ग्राफ अगर एक कर्व के फॉर्म में है, वक्राकार अगर वीटी ग्राफ होगा तो ये कौन सी इंफॉर्मेशन हमको देगा? बड़ा सिंपल है, इसका मतलब ये हुआ, देखिए स्ट्रेट लाइन तभी बनती है जब कांस्टेंट कंडीशन हो। कैसी कंडीशन हो? कांस्टेंट। लेकिन यहां पर स्ट्रेट लाइन ना होकर के कर्व बन रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि बॉडी का एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अगर हम कर्व को ध्यान से देखें तो टाइम एक्सिस के साथ इसकी जो स्लोप है वो लगातार बढ़ती जा रही है। स्लोप निकालना कर्व में तो सबको पता होगा ना, कर्व के किन्हीं दो पॉइंट्स को लेकर के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है और वो लाइन टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बनाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप या ढलान।
क्लियर। इसका मतलब ये हुआ इसकी स्लोप टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, इट्स स्लोप इंक्रीजेस विद द टाइम। ठीक, और अगर स्लोप टाइम के साथ इंक्रीज होगी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बॉडी का जो एक्सीलरेशन है वो भी टाइम के साथ इंक्रीज होगा। दैट मींस एक्सीलरेशन ऑफ द मूविंग बॉडी इंक्रीजेस विद टाइम। बॉडी का जो एक्सीलरेशन है वो भी टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो चाहे आप उसको उल्टा पढ़ लें या आपको ये केस दिया हो कि कोई भी कार ऐसे मूव करती है कि उसका त्वरण, उसका एक्सीलरेशन टाइम के साथ साथ बढ़ता है, द एक्सीलरेशन ऑफ एनी कार इंक्रीजेस विद टाइम, देन आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वीटी ग्राफ इज करेक्ट या एसेंशियल फॉर द गिवन कंडीशन। तो बड़ा आसान है, ऐसी कंडीशन में जो वीटी ग्राफ बनेगा वो कर्व के फॉर्म का होगा, और ये कर्व जो बनेगा ये इसकी स्लोप लगातार टाइम के रिस्पेक्ट में आगे की ओर बढ़ेगी। तो इस बात को आपको याद रखना, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी का एक्सीलरेशन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है बच्चों, अगर इसी का दूसरा केस हम लोग लेके चले कि यहां पर टी और ये डी वीटी ग्राफ, क्लियर, और ग्राफ कुछ इस प्रकार का हो। अब आप बताएं, बड़ा सिंपल है, कैसे ये ग्राफ, ये ग्राफ हमको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है बताइए। स्लोप टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है। इस बार जो कर्व की स्लोप है वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है या फिर डिक्रीज कर रही है, तो डिक्रीज कर रही है, बिल्कुल सही आंसर। यहां पर जो स्लोप है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रही है, लेकिन अगर इसमें आप ध्यान से देखो तो स्लोप टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब स्लोप ऑफ द कर्व डिक्रीजेस विद टाइम। जो वक्र की ढलान है वो समय के साथ साथ डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब ये हमको क्या इंफॉर्मेशन देता है, दैट मींस एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम। क्लियर, जो बॉडी का एक्सीलरेशन है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रहा है। तो दोनों ग्राफ आपको समझ में आ गए, दोनों ग्राफ कर्व के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, कर्व के फॉर्म में। पहला ग्राफ क्या बताता है, पहला ग्राफ ये इंफॉर्मेशन देता है कि कर्व की स्लोप टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रही है। दूसरा ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन देता है कि कर्व की स्लोप टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रही है। तो इससे क्या पता चला कि जब स्लोप टाइम के साथ इंक्रीज करेगी तो बॉडी का एक्सीलरेशन भी बढ़ रहा है, और दूसरा ग्राफ क्या बताता है कि बॉडी का एक्सीलरेशन लगातार कंटिन्यूअसली घट रहा है, मींस डिक्रीज हो रहा है। सबको बात समझ में आ गई, तो नोट कर लें इसको, नोट तो लिया सभी लोगों ने। अब बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है, एक तो एप्लीकेशन आपने सीख लिया कि वीटी ग्राफ से हम लोग क्या काउंट करते हैं एक्सीलरेशन, और दूसरा एप्लीकेशन होता है कि वीटी ग्राफ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एनी मूविंग बॉडी। क्लियर, तो बच्चों अब हम लोगों को क्या सीखना है कि कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द वीटी ग्राफ, जो कि अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सब लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि हम वीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक वीटी ग्राफ लेते हैं, टाइम एक्सिस एंड वेलोसिटी ओरिजिन, और किसी भी मूविंग बॉडी के लिए जो वीटी ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार का है। क्लियर, जो ग्राफ है वीटी ग्राफ वो कुछ इस प्रकार का है, और हमको इस ग्राफ से क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाई एनी मूविंग बॉडी, जिस मूविंग बॉडी की वेलोसिटी और टाइम के लिए हम लोगों ने ये ग्राफ बनाया है उसके लिए हमको क्या फाइंड आउट करना है कि बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। ठीक है ना,
अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर ये v वेलोसिटी है और ये टाइम है तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और अगर यहां पर लिखा हो स्पीड और यहां पर लिखा हो टाइम तो हमको क्या फाइंड आउट होगी, डिस्टेंस। ये बात सबको समझ में आई। तो ग्राफ हमारे पास है ओ ए बी सी, याद करें सभी लोग, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोले s वेक्टर और टाइम को t, तो s वेक्टर इज इक्वल टू हो गया v वेक्टर इंटू t। चलिए अभी वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अच्छा टाइम हमको कहां पर गिवन है, x एक्सिस के अलोंग ग्राफ में, और वेलोसिटी किधर गिवन है, y एक्सिस के अलोंग। ठीक है, अब जरा ग्राफ को देखो। ग्राफ को देखने में एक बात हमको समझ में आ रही है कि अगर हम लोग इस ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करें, एरिया ऑफ इसको रेक्टेंगल या स्क्वायर आप कुछ भी मान लो, ओ ए बी सी, वो सब लोग जानते हो एरिया का फार्मूला, साइड इंटू साइड। क्लियर, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटू बी सी, या लिखते हैं ओ सी इंटू बी सी। ओ सी का मीन्स हुआ टाइम टी, और बी सी का मीन्स हुआ वेलोसिटी। तो यहां पर ये क्या आ गया, वी इंटू टी, और यहां पर क्या हम लोगों ने काउंट किया, एरिया। अगर आप इन दोनों रिजल्ट्स को मैच करें तो इन दोनों रिजल्ट से हमको एक बात समझ में आ रही है कि जो डिस्प्लेसमेंट है एस वेक्टर वो किसके इक्वल होगा, एरिया के। देखो यहां पे आरएचएस क्या है, वी इंटू टी, यहां पर भी आरएचएस क्या है, वी इंटू टी। तो अगर हम दोनों को इक्वेट करें तो एरिया किसके इक्वल है, एस के, जो भी है क्या डिस्प्लेसमेंट। उसका मतलब ये हमको हुआ कि फ्रॉम बोथ रिजल्ट्स या फ्रॉम बोथ इक्वेशंस डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ वी टी ग्राफ। ये बात क्या सबको समझ में आ गई, जो एस वेक्टर है उसका फार्मूला हमारे पास में क्या बना बच्चों, एरिया ऑफ वी टी ग्राफ। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आपको तैयार होना चाहिए। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वी टी ग्राफ का अगर हम लोग एरिया काउंट कर लें तो वो एरिया हमको क्या बताएगा। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, वी टी ग्राफ का एरिया हमको क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाई एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आ गई क्या। तो अगर किसी भी मूविंग बॉडी का हम डिस्प्लेसमेंट काउंट करना चाहें, हम उसके डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को पता लगाना चाहें, और अगर हमको ये पूरी जानकारी या पूरी कैलकुलेशन ग्राफिकल मेथड से करना हो, तो हमारे पास कौन सा ग्राफ होना चाहिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, तो आंसर है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो फिर हमको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाई मूविंग बॉडी। क्लियर, तो ये जो हमारे पास सिंपल सा OABC रेक्टेंगल दिया है, हम लोग इसका क्या काउंट कर लेते हैं, एरिया, जो कि किसकी कैलकुलेशन है, डिस्प्लेसमेंट यानी एस वेक्टर की। सबको पूरा लॉजिक क्लियर हो गया। अभी पहले क्या सीखा था, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना, और अब हम लोगों ने क्या सीखा, एक्सेलरेशन के अलावा डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करना। सबको बात समझ में आ गई क्या, बोलिए क्लियर हो गया। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि टॉपिक आपको कैसा तैयार हो रहा है, तैयारी आपकी अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है, आपको जो चीजें क्लास में डिस्कस कराई जा रही है वो आपको अच्छी तरह आ रही है कि नहीं आ रही है, जो मेहनत हम लोगों के द्वारा की जा रही है, ठीक है ना, उसका आउटपुट कैसा है, आपको कैसा परफॉर्मेंस समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपको समझ में आ रही चीजें कि नहीं आ रही हैं। सभी लोग कमेंट सेक्शन में इस बात को जरूर लिखें, यस और नो करके। क्लियर, तो ये बात उनको समझ में आ गई। तो आज बच्चों हम लोगों ने क्या सीख लिया कि कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। अच्छा अभी कंफ्यूज ना होना कि यहाँ डिस्टेंस भी लिखा है, तो अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि अगर ये वेलोसिटी है और ये टाइम है तो इसका एरिया हमको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। और अगर यहाँ स्पीड और ये टाइम है तो हमको क्या मिलेगा, एरिया को क्या बताएगा, डिस्टेंस। बड़ा आसान है, स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर, और डिस्टेंस भी कैसी, स्केलर, तो स्केलर से स्केलर ही आएगा। क्लियर, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन भी कैसी राशि है, वेक्टर। तो वेक्टर से किसका रिजल्ट मिलेगा, वेक्टर का। क्लियर, नोट कर लें इसको आप।
ओके बच्चों, सपोज समझ में आ गया कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। हाँ, इसमें एक बात और है आपके सीखने वाली, आपको बता दिया जाए, हो सकता है शायद कुछ बच्चे भूल गए हों या जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनको समझ में आ जाएगा कि जैसे कोई भी हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा गिवन हो, फॉर द एग्जाम्पल कोई मूविंग बॉडी है, उसका वीटी ग्राफ हमारे पास ऐसा दिया है, क्लियर? ऐसे करके हमारे पास वीटी ग्राफ दिया है। ओ से सी तक का जो टाइम है वहां तक बॉडी टाइम लेती है टी वन, और उसके आगे एफ तक का जो टाइम है वो टी टू। सी पर टाइम है टी वन और एफ पर टाइम क्या है टी टू, और यहां पर हमको क्या गिवन है वेलोसिटी। सभी लोग जानते हो ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है तो वी प्लस में, और यहां पर वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन तो वी माइनस में। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है जहां पर वीटी ग्राफ दोनों क्वाड्रेंट में बना हुआ है, टाइम एक्सिस के ऊपर भी कुछ ग्राफ प्लॉट है और टाइम एक्सिस के नीचे भी कुछ ग्राफ प्लॉट है, तो उसमें एक बात आपको ध्यान देना। अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है, एरिया, अच्छा किसका किसका एरिया, यहां पर एक ग्राफ है कि तो दो, एक ओ ए बी सी और दूसरा कौन सा सी डी ई एफ, तो हम लोग दोनों के एरिया को काउंट करेंगे। पहले किसका एरिया हम लोग निकालेंगे, पहले निकालेंगे इसका एरिया दैट इज इक्वल टू ए वन, और फिर इसका एरिया, इसको हम लोग क्या लेट करेंगे ए टू। इसका मतलब हमारे पास में अगर हम लोग निकालें एरिया ऑफ ओ ए बी सी इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, सो ए बी इंटू बी सी, लंबाई गुणे चौड़ाई सब लोग जानते हो एल इंटू बी, और अगर हमको एरिया काउंट करना हो सी डी ई एफ, एरिया ऑफ सी डी ई एफ, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे ए टू इज इक्वल टू सी डी इंटू डी ई, इतना तो सब लोग जानते होगे ना, सी डी इंटू डी, और डी ना लो आप सी एफ ले लो। बस इतना ध्यान रखना कि एक लेंथ होनी चाहिए, एक ब्रेथ होनी चाहिए, एक एल और एक डी, एक लंबाई और एक चौड़ाई, दोनों एक जैसे ना हो, गलती कभी कभी हो जाती जल्दबाजी में, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी काम शैतान का, क्यों भाई। तो ए वन ए टू दोनों आ गए, अब हम लोग क्या निकाल लेंगे नेट एरिया, नेट एरिया, तो नेट एरिया क्या आया ए वन प्लस ए टू, तो हमको क्या क्या निकालना था, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ध्यान दीजिएगा यहां पर S वेक्टर इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि स्केलर, बोलो भाई सभी लोग, भूल जाते हो बार बार, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो एरिया काउंट करेंगे उसमें साइन को कंसीडर करेंगे, जो एरिया टाइम एक्सिस के ऊपर उसको कैसा लेंगे पॉजिटिव, और जो एरिया टाइम एक्सिस के नीचे उसको कैसा लेंगे निगेटिव। बड़ा ही सिंपल है, समझ में आ गया, कौन सा एरिया टाइम एक्सिस के ऊपर है, आइए देखें ओ ए बी सी टाइम एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में, तो जब ये कैलकुलेशन करोगे तो ये पूरी पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव, ठीक। लेकिन अगर दूसरे एरिया की बात करो सी डी ई एफ, तो टाइम एक्सिस के नीचे है तो एरिया कैसा आएगा निगेटिव, इसका मतलब ये निगेटिव एरिया आएगा दैट इज इक्वल टू माइनस में। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ए वन तो प्लस में लोगे लेकिन A2 को माइनस में कंसीडर करोगे, और इसलिए हमको क्या लिखना पड़ेगा बेटा A1 माइनस A2, ये हमारे पास में आ गया डिस्प्लेसमेंट। किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, है क्या कंफ्यूजन, नहीं होना चाहिए ना, क्या हमने बताया, फिर से बता दें कि डिस्प्लेसमेंट अगर विस्थापन की गणना करनी है तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कैसी राशि है, वेक्टर अर्थात सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटीज को विद द साइन कंसीडर किया जाता है, जो एरिया टाइम एक्सिस के ऊपर है उसको कैसा लोगे प्लस में, और जो एरिया टाइम एक्सिस के नीचे है उसको कैसा लोगे माइनस में। कुछ भी हो, ट्रायंगल हो, ट्रेपेजियम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, लॉ यही लगाना है कि टाइम एक्सिस के ऊपर के एरिया को प्लस में और टाइम एक्सिस के नीचे के एरिया को माइनस में कंसीडर करना है। ऐसा कब करना है, जब हमको डिस्प्लेसमेंट पता लगाना हो। लेकिन अगर हमको क्या पता लगाना हो, अगर हमको पता लगाना हो सर टोटल डिस्टेंस कितनी है,
व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, तो बड़ा आसान है। अब हम एरियाज को विदाउट साइन लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है बेटा, डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है, इस बार हम लोग साइन को कंसीडर नहीं करेंगे। तो दोनों एरियाज को हम लोग कैसा लेंगे, पॉजिटिव, तो एस इज इक्वल टू फार्मूला क्या बनेगा, ए वन प्लस ए टू। दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। कब एरिया को माइनस में लेते हैं, एरिया को माइनस में कब लेते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट काउंट करना, और एरिया को प्लस में ही कब लेते हैं, जब हमको क्या काउंट करना हो, जब हमको डिस्टेंस को काउंट करना हो। सबको बात समझ में आ गई, एक कॉन्सेप्ट था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में साइन का क्या फर्क होता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कमेंट करते हैं सर प्लस माइनस को कैसे कंसीडर किया जाएगा, तो बड़ा सिंपल वे है, हमने आपको रिवाइज करा दिया है, आप इसको कॉपी की नोटबुक मार्क नोटबुक में नोट कर लें ताकि आप इसको दोबारा फिर न भूलें। क्लियर, अब इसकी क्वेश्चन को लगा के देखते हैं, एक आध क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को आप अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर, नोट कर लें। तो अभी बच्चों हम लोगों ने ये सीखा कि अगर हमको किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना है, कौन से ग्राफ से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, जब हमको कैलकुलेशन करनी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो हम जो भी एरिया लेंगे वो सारे एरिया विद द साइन कंसिडर करेंगे। टाइम एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव और टाइम एक्सिस के नीचे का एरिया निगेटिव, और ये होता किसके इक्वल है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द एरियाज अंडर वीटी ग्राफ। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द एरियाज अंडर वीटी ग्राफ, और इसी प्रकार हम लोग क्या काउंट कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस दैट इज आल्सो इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द एरियाज अंडर वीटी ग्राफ। ठीक, ध्यान देने वाली बात क्या थी, जो अभी हम लोगों ने स्टडी किया, ध्यान देने वाली बात इसमें यह है पूरे कॉन्सेप्ट में, कि जो एरिया टाइम एक्सिस के ऊपर होगा, द एरियाज विच आर अबव द टाइम एक्सिस, उनको कैसा लिया जाएगा, दे आर टेकन एज पॉजिटिव, उनको पॉजिटिव लेंगे, and all those areas which are below the time axis they are taken as negative। जो एरिया टाइम एक्सिस के ऊपर होगा उसको कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव, और जो एरिया टाइम एक्सिस के नीचे होगा उसको कैसा लिया जाएगा, निगेटिव। बस इतना हमको ध्यान रखना है, और जो भी एरियाज हमारे पास में आएंगे उन एरियाज को हमको क्या करना है, प्लस करना है और माइनस करना है। ठीक है बच्चों, तो सबको ये बात समझ में आ गई कि अगर हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट काउंट करना है या टोटल डिस्टेंस को काउंट करना है किस ग्राफ की हेल्प से, बाय द वीटी ग्राफ, तो बस हमको क्या पता होना चाहिए, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द एरियाज अंडर वीटी ग्राफ। जितने भी वीटी ग्राफ बनेंगे उन सब के एरियाज यानी क्षेत्रफलों का बीजगणितीय योग आपको लेना है। बस इतना ध्यान रखना, विस्थापन की गणना करने में जो एरिया जो क्षेत्रफल समय अक्ष के ऊपर हो उसको कैसा लेना है, पॉजिटिव, और जो एरिया समय अक्ष के नीचे हो उसको कैसा लेना है, निगेटिव। लेकिन जब डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो भी हम लोग एरिया को तो निकालेंगे ही, लेकिन सारे एरियाज कैसे लेंगे, एक जैसे, यानी यहाँ पर कोई निगेटिव साइन नहीं आएगा, चाहे एरिया टाइम एक्सिस के ऊपर हो या फिर नीचे, उनको हमेशा कैसे लेंगे, पॉजिटिव। क्लियर, तो ये चीज हम लोगों ने कई बार रिवाइज कर ली, और इसलिए आपको बार बार ये बताया गया ताकि आप कंफ्यूज ना हो और क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपसे कोई मिस्टेक अर्थात कोई गलती ना हो। ठीक है, तो वीटी ग्राफ से क्या क्या काउंट होता है, एक तो एक्सीलरेशन,
और दूसरा हम लोग क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हम लोगों ने कहा कि हमारे पास कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट का वीटी ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी यहां पर भी वेलोसिटी, ये ओ ओरिजिन, और ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा दिया है, क्लियर, ऐसा कुछ हमारे पास ग्राफ गिवन है। टाइम की यूनिट हमको गिवन है सेकंड, और वेलोसिटी की यूनिट गिवन है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड, क्लियर। और यहां पर हमारे पास जो डेटा गिवन है 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड और 10 सेकंड, और यहां पर हमारे पास जो डेटा गिवन है वो 5 10 मीटर पर सेकंड, यहां पर भी 5 और इधर कहीं 10 मीटर पर सेकंड, क्लियर। और आपसे फिर वही काउंट करना है, सबसे पहले हमको निकालना है फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट, कुल विस्थापन निकालो, और दूसरा हमको फाइंड करना है फाइंड टोटल डिस्टेंस, क्लियर। तो क्या क्या हमको कैलकुलेट करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। तरीका आपको समझ में आ गया कैसे करना है, क्वेश्चन को अपने आप क्वेश्चन को ट्राई करें, बड़ा आसान है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमको टोटल फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आंसर निकाला सभी लोगों ने, जो आंसर आया उसको कमेंट सेक्शन में लिखें। सबसे पहले बच्चों हमको निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता था बताएं, डिस्प्लेसमेंट होता था जो भी आपको एरियाज गिवन है उन सब का एल्जेब्रिक सम। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, पहला ग्राफ है ओ ए बी सी डी ई, क्लियर। तो पहला हमारे पास जो ग्राफ है वो है ट्रायंगल ओ ए बी, और दूसरा हमारे पास में क्या है, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, कौन सा, बी सी डी ई। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेके चलेंगे, ट्रायंगल, फिर क्या लेके चलेंगे, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, और दोनों का क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया। इसके एरिया को हम लोगों ने लेट किया A1, और इसके एरिया को क्या लेट किया, A2। तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला बनेगा A1 प्लस A2, क्लियर। A1 क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या है ट्रायंगल OAB, प्लस A2 क्या है, एरिया ऑफ BCDE, देखो BCDE, ठीक है। अब दोनों के एरिया को बारी बारी से फाइंड आउट करें। सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, 1/2 साइड इनटू या बेस इनटू परपेंडिकुलर। तो क्या लिखोगे, 1/2, ठीक है, बेस कितना OB, परपेंडिकुलर क्या AB, फिर क्या प्लस, अब क्या आपको लेना है BCDE, इसमें क्या करोगे, साइड इनटू साइड। तो पहली साइड कौन सी BC और दूसरी साइड कौन सी CD, क्लियर। अब हमको क्या लेना है, कोऑर्डिनेट, तो 1/2 OB को देखिए, B का कोऑर्डिनेट 4, O का 0, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 4 माइनस 0, और अगर AB की बात करो तो A पर 10 और B पर 0, तो यहां पर क्या लिखोगे, 10 माइनस 0। अगर BC की बात करो तो BC का कोऑर्डिनेट है 5 माइनस 0, तो यहां पर क्या लिखोगे, 5 माइनस 0, और इंटू अगर आप CD की बात करो तो 8 माइनस 4 8 माइनस। बस ये ध्यान देना कि हमको फाइंड आउट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में जो एरिया टाइम एक्सिस के नीचे होगा उसको नेगेटिव, यानी ये एरिया कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। यहां पर हम लोग साइन क्या लगा दें, माइनस, क्लियर, यहां पर भी साइन माइनस लगा दें, ठीक है। अब उसके बाद ये वैल्यू हमारे पास कितनी हुई बेटा, 1/2 × 4 × 10, और माइनस का ये कितना हुआ 5, और यहां पर 8 - 4 कितना 4, तो यहां पर ये कितना हो गया 4, दैट इज इक्वल टू, यहां पर ये 2 से कैंसिल, ये आ गया 20 और माइनस, और यहां पर भी ये कितना आ गया 20, क्लियर। और जब 20 से 20 हम लोगों ने कैंसिल कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 0, दैट मींस जो s आएगा वो किसके इक्वल होगा, 0। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आया s वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस
और सभी लोग जानते हो डिस्टेंस को जब काउंट किया जाता है तो एरियाज को पॉजिटिव लेते हैं, तो s इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू, इस बार ए टू को निगेटिव साइन में नहीं लोगे, ए टू को इस बार फिर कैसा लोगे पॉजिटिव, तो ए वन कैसा लोगे पॉजिटिव, तो ए वन हमारे पास में वही था 1/2 इंटू 4 इंटू 10 और प्लस ए टू जो हमारे पास है इसको भी हम लोग प्लस में लेंगे, तो ये कितना बनेगा बोलो, प्लस का 5 इंटू प्लस का 5 माइनस 0 यानी 5 इंटू 8 माइनस 4 और 8 माइनस 4 को आप क्या लिखोगे बेटा 4, क्लियर। तो यहां पर ये कितना आ गया 20 प्लस 20 दैट मींस कितने मीटर आया 40 मीटर, तो दोनों आंसर आपको क्लियर हो गए। इस क्वेश्चन में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 0, जबकि टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी 40 मीटर यानी 40 मीटर। बस हमको क्या ध्यान देना था, जो एरिया टाइम एक्सिस के ऊपर हो उसको पॉजिटिव, जो एरिया टाइम एक्सिस के नीचे उसको निगेटिव, किसकी कैलकुलेशन करने में डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें तो सारे एरियाज को क्या लेते हैं पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर देखिए हमने प्लस साइन लगाया है, दोनों एरिया प्लस में होंगे, और यहाँ पर साइन हमने क्या कंसिडर किया है माइनस, क्योंकि जो ए टू है ये जो रेक्टेंगल या स्क्वायर बन रहा है वो टाइम एक्सिस के नीचे, और ये एरिया कैसा होगा निगेटिव, क्लियर। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, नोट कर लें क्वेश्चन को। अब बच्चों देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, जैसा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है कैसे ही क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करें पहले। किसी भी एक मूविंग कार का वेलोसिटी टाइम ग्राफ वीटी ग्राफ आपको दिया है, काफी सिंपल है, ठीक, और इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 1, 2, 3, 4 और यहां पर ये गिवन है 5 -5 माइनस का 10, क्लियर। क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व करें, सबसे पहले आप लोग निकालें नेट डिस्प्लेसमेंट और फिर आप लोग निकालें नेट वेलोसिटी, नेट डिस्टेंस। चलिए क्वेश्चन को कॉपी में बनाएं और अपने आप क्वेश्चन को ट्राई करें, जो आंसर है उसको कमेंट सेक्शन में लिखें। किसी भी कार का वेग समय ग्राफ चित्र में दिया है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एनी मूविंग कार इज गिवन इन फिगर, आपको फाइंड आउट करना है टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस। कर लिया सभी लोगों ने, आंसर को लिखें कमेंट सेक्शन में। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया है, बहुत अच्छा, एस वेक्टर इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू। अब ये देखो कौन कौन से एरिया प्लस में कौन माइनस में, ये जो ओ ए बी सी है ये टाइम एक्सिस के ऊपर, तो ये तो पॉजिटिव होगा, और जो सी डी ई एफ है ये टाइम एक्सिस के नीचे, इसलिए क्या होगा निगेटिव। तो एस वेक्टर इज इक्वल टू, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ए बी इंटू बी सी माइनस सी डी इंटू डी। कभी बच्चों एक साथ एक ही डायमेंशन नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा, कभी कभार ये गलतियां हो जाती हैं हम लोगों से। एक को लेना है लेंथ तो एक को ब्रेथ, एक लंबाई और एक चौड़ाई, तो ये सी डी और इंटू ई एफ नहीं करोगे, सी डी इंटू डी कर दो और या तो सी डी इंटू सी एफ करो, क्लियर। अब अगर हम लोग ए बी की बात करें तो बी का कोऑर्डिनेट 2 और ए का 0, तो 2 -0, और बी सी की हम लोग बात करें तो 5 -0, सी डी की अगर आप बात करो तो 5 -0, और डी की अगर आप बात करो तो 4 -0। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा, 2 × 5 - 5 × 4 - 2, फिर से कितना 2, यानी नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 0, क्लियर।
और अगर हम लोग बात करें टोटल डिस्टेंस या नेट डिस्टेंस, तो S इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू। ए वन की अगर बात करें तो ये आ गया एरिया पॉजिटिव लोगे ये वाला, तो 2 इंटू फाइव, और ए टू को भी पॉजिटिव लोगे तो 5 इंटू फोर माइनस टू यानी 10। तो 10 प्लस 10 दैट मीन्स कितने मीटर आया, 20 मीटर। क्लियर? तो फाइनल आंसर कितना आया बोलिए, आंसर आया 0.20 मीटर। समझ में आ गया? दो क्वेश्चन आपके सामने अभी हमने करके दिखाए, बड़े सिंपल थे, आप क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हो। एक क्वेश्चन में आपसे पूछा गया टोटल डिस्प्लेसमेंट और दूसरे में आपसे पूछा गया टोटल डिस्टेंस, दोनों ही चीजें बड़ी आसान थी हमारे लिए। बस हमको ध्यान क्या रखना है, डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने में एरिया को विद द साइन लेना है, और डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में एरिया को विदाउट साइन लेना है। कर लें क्वेश्चन को। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखें, क्वेश्चन कह रहा है फॉर ए मूविंग कार एक्स प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, देन एक कोई कार है जो मूव करती है, उसकी पोजीशन और टाइम के बीच रिलेशन हमको गिवन है, और कह रहा है कि आउट ऑफ फॉलोइंग विच रिलेशन इज करेक्ट। पहला आंसर है वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दूसरा आंसर है एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, तीसरा क्वेश्चन है स्पीड इज कांस्टेंट, अगला क्वेश्चन है एक्सीलरेशन इज वेरिएबल, अगला ऑप्शन है एक्सीलरेशन इज वेरिएबल। चलिए क्वेश्चन को ट्राई करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। किसी भी मूविंग कार के लिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच रिलेशन दिया है, विस्थापन और समय के बीच संबंध दिया है, x प्रोपोर्शनल t स्क्वायर, कैर आउट ऑफ फॉलोइंग क्या करेक्ट होगा, जो भी आंसर आए कमेंट सेक्शन में लिखें। चलिए ट्राई कर लिया आप लोगों ने, क्या गिवन है हम लोगों को बच्चों, x प्रोपोर्शनल t स्क्वायर, पहले से क्या निकालो, वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, दैट मीन्स v इज इक्वल टू अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 2t। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको क्या बताती है, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है, नहीं कांस्टेंट है, वेलोसिटी टाइम पे डिपेंडेंट है। अगर यहां पर t का टर्म ना आता तो वेलोसिटी क्या हो जाती, कांस्टेंट, लेकिन यहां पर t का टर्म है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्लियर? ये तो आंसर गलत हो गया, स्पीड भी कांस्टेंट नहीं होगी, अब b और d पे बात टिकी आती, इसको चेक कर लिया जाए। तो नाउ अगेन डिफरेंशिएट, इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करें, तो अब हमको मिलेगा एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू dv बाई dt, सो d अपॉन dt, और v कितना है 2t, और यहां से हम लोगों ने 2 बाहर निकाला, और t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो a इज इक्वल टू कितना आया, 2 आया। कि अब यहां पर टाइम का कोई टर्म है, नहीं, यहां पर टाइम का कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब जो भी कार चल रही है उसका एक्सीलरेशन अर्थात त्वरण क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा। इसका मतलब दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। क्लियर? नोट कर लें क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज शोन इन फिगर, क्लियर? किसी भी मूविंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन है, जिस प्रकार का ग्राफ है,
इसमें कुछ पॉइंट्स हमको गिवन हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई। ठीक है, ये ग्राफ आपको दिया है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और क्वेश्चन ये कह रहा है किस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव है, एट विच पॉइंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेगेटिव, किस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव। क्लियर, ऑप्शन आपको गिवन होंगे, एट बी, एट सी, एट डी, एट ई। उससे क्वेश्चन को ट्राई करें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के किस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी माने तत्कालिक वेग कैसा है, ऋणात्मक मींस नेगेटिव। चलिए क्वेश्चन ट्राई करें फिर हम बताएंगे। क्वेश्चन को ट्राई करें, कर लिया सभी लोगों ने, कमेंट सेक्शन में आंसर को लिखें, कमेंट में आंसर को लिखें। जिन बच्चों को नहीं आया वो लोग यहां कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और याद करो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्लोप के इक्वल होती है, इसके इक्वल होती है स्लोप, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। क्लियर, अगर आप पॉइंट ए की बात करो, बच्चों ध्यान समझिए इधर, अगर आप पॉइंट ए की बात करें तो पॉइंट ओ से ए तक अगर आप देखो तो स्लोप लगातार इंक्रीज कर रही है, मींस वेलोसिटी बढ़ रही है, तो नेगेटिव तो नहीं होगी, वेलोसिटी इंक्रीजेस विद द टाइम। अगर आप पॉइंट बी की बात करो तो यहां पर अगर हम लोग कोई स्लोप निकालें, स्लोप निकालने का तरीका जानते हो ना, जिस पॉइंट पर आपको स्लोप या ढलान निकालनी है वहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर लें, अगर हम लोग इस पॉइंट बी पर टेंजेंट को ड्रॉ कर दें तो कुछ ऐसे आएगी, और ये जो टेंजेंट आएगी वो टाइम एक्सिस के कैसे है, पैरेलल, समय अक्ष के समांतर। क्लियर, और ऐसा कब होता था, बोलिए जब बॉडी किसमें हो, रेस्ट में हो, इसका मतलब पॉइंट बी हमको क्या बताता है, रेस्ट स्टेट, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, मत भूलना, दिस इज द रेस्ट स्टेट। अब अगर आप बी से सी तक की बात करो तो ग्राफ नीचे आ रहा है, बेंडिंग डाउनवर्ड्स, इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप डिक्रीज हो रही है, और जब स्लोप डिक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी माइनस में होगी, दैट मींस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। तो पॉइंट सी पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव। अगर आप बी की बात करो तो अगेन रेस्ट स्टेट, क्लियर, और अगर आप बी से ई की बात करो तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो क्या हमको पता चला, जल्दबाजी मत करिए, ओ से ए तक वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, बी पर वेलोसिटी जीरो है, बी से सी पर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, मींस नेगेटिव, और डी पर बॉडी फिर से किसमें है, रेस्ट में है। उसने क्या पूछा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहां पर नेगेटिव होगी, तो अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखें तो ग्राफ में पॉइंट सी ऐसा पॉइंट है जहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एट पॉइंट बी इंस्टेंटेनियस, एट पॉइंट सी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब समझ में आया, v इज इक्वल टू क्या होता है, ds अपॉन dt, और वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या होता है, स्लोप। जो पॉइंट ऐसे हो जहां से जो टेंजेंट पास हो वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, तो वहां तो हम आसानी से कैलकुलेशन कर ले जाते हैं, हमको पता है कि रेस्ट है, क्लियर। लेकिन अगर कहीं पर अप एंड डाउन स्लोप है तो वहां पे दो ही केस होते हैं, अगर स्लोप इंक्रीज कर रही है तो वी कैसा होगा, प्लस में, और अगर स्लोप डिक्रीज कर रही है तो वी कैसा, माइनस में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारी बुक्स में क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से दिया जाता है और एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नोट कर लें क्वेश्चन को। क्वेश्चन हो गया सभी लोगों से, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, ठीक है।
तो आज बच्चों हम लोगों ने इस वीडियो में वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अलग अलग केसेस को स्टडी किया, और इसके साथ ही हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस किया। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरह रिवाइज करें और इसको तैयार करें, ठीक है बच्चों। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर से ग्राफ का नया टॉपिक एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ लेकर आएंगे, जो भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो आपको तैयार करना है, ठीक है। तो सभी लोग पूरे कोर्स को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते रहें और अपनी तैयारी को कंटिन्यूअस रखें। तो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।